तस्वीरें हैं, जो लोग यहाँ पे थे उन्होंने हिम्मत दिखाई, पानी में उतरे, इन चारों को बचा लिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या ये युवक यहाँ पे नहाने उतरे थे, क्या ये अंदाजा नहीं था कि वो कितना गहरा है पानी, धूप में यहाँ पे इनको बड़ा हादसा एक होते होते बचा? बिल्कुल, आपको बता दें मुरादनगर के छोटे हरिद्वार के पास ये घटना घटी है, जहाँ पर चार युवक पानी में डूब गए हैं। आपको बता दें कि ये एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई गोताखोर होना चाहिए, पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन ना तो वहाँ कोई पुलिसकर्मी था और ना वहाँ कोई सरकारी गोताखोर था जो उन युवकों को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, तीन चार युवक जब नहा रहे थे उसके आस पास के जो साथी थे इसके, उन्होंने किसी तरह मशक्कत करके उन्हें बचाया है और वहाँ पर पास ही खड़ी बोट को मंगाया गया था, फिर इनकी जान बच सकी है। हालांकि जिस तरीके की घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो मुरादनगर इलाके में छोटा हरिद्वार है वहाँ पर गोताखोरों को लगाया गया है, वहाँ पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, उनकी कहीं ना कहीं बड़ी पोल खुद की नजर आ रही है। जी, चारों युवक सकुशल है? जी फिलहाल चारों युवकों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी जो जांच चल रही है, क्योंकि इनकी हालत जो है काफी गंभीर बनी हुई थी जिस वक्त इनको पानी से निकाला गया था। और आपको बता दें कि जो चार युवकों में खासतौर से जो एक युवक है वो मुरादनगर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, उसको ज्यादा उसकी हालत खराब है, फिलहाल उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। लेकिन अभी जिस तरीके की वारदात हुई है, सही तौर पर कहीं ना कहीं जो पुलिस और प्रशासन है उसकी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं मुरादनगर इलाके में घटती रहती है। वही प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पे कहना होता है कि कार्रवाई की जाएगी, वहाँ पर गोताखोर लगाए जाएंगे, पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे, जो वहाँ पर बच्चे गोताखोरी करते हैं, जो स्थानीय लोग वहाँ पर नहाने के लिए आते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है इसलिए वहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं, लेकिन जो लोग डूबते हैं उनको बचाने की इंतजाम प्रशासन को करने चाहिए, लेकिन वो इंतजाम यहाँ पे ना काफी नजर आते हैं। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के।